हेलो फ्रेंड्स, निटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये पैटर्न लेकर आई फ्रेंड्स। ये देखिए, डिज़ाइन बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बनाना भी इजी है। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में, इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने 5 × 2 + 2 फंदे लेने हैं। आपने ये बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ बनाया सेम ऐसा ही मैं ऊपर आपको बताऊंगी। देखिए इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। ये हमारा एज फंदा है, इसको यहाँ पर मैं सीधा बना रही हूँ। धागे को अपनी साइड करेंगे और दो फंदे आप इसमें उल्टे बनाएंगे। फिर धागे को आप पीछे करेंगे और यहाँ पर 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1, 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने हैं। फिर धागे को अपनी साइड करेंगे और 2 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। धागे को फिर पीछे करेंगे, 1, 2 और 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। फिर धागे को हम आगे करेंगे, 1, 2 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे करेंगे, फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे और 2 फंदे हम इसमें उल्टे बनाएंगे। फर्स्ट रो को हम राइट साइड से इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया, अब रॉन्ग साइड से सेकंड रो बनाएंगे। ये हमारा एज फंदा है, राइट साइड में इसे मैंने सीधा बनाया, रॉन्ग साइड से यहाँ पर मैं इसे उल्टा बना रही हूँ। धागे को हम पीछे करेंगे। अब 2 फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे हैं, आपने इनको सीधा बनाना है, रॉन्ग साइड से सीधा बनाना है। धागा अपनी साइड करेंगे। अब ये 3 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए थे, यहाँ पर ये उल्टे बनाने हैं, 1, 2 और 3 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। धागे को पीछे करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, 2 फंदे आप सीधे बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे, 3 फंदे आप इसमें उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे यहाँ पर हम फिर सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से सेकेंड रो हमारी इसी तरीके से कंप्लीट। राइट साइड से थर्ड रो बनाएंगे। ये हमारा एज फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर मैं सीधा बना रही हूँ। धागे को अपनी साइड करेंगे, 1, 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। धागे को हम पीछे करेंगे, पीछे करने के बाद धागे को आपने इस तरीके से घुमाना है, ये देखिए ऐसे। अब एक फंदा आपने, ये 3 फंदे हमारे सीधे हैं, इस फंदे में से ये वाला फंदा आपने इस तरीके से उतारना है, इसे बिना बुने आपने करना है। अब 2 फंदे हमारे पास ये सीधे हैं, इन दोनों फंदों को आपने, ये देखिए इस तरीके से सीधा बनाना है, 2 फंदों का आपने एक बनाना है और इसे निकाल देना है। अब ये वाला फंदा जो हमने उतारा था, इस फंदे को आपने इसके ऊपर से निकाल देना है, ये देखिए। फिर धागा आगे करेंगे और इसको घुमाएंगे, 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को आपने उतारना है, ये देखिए इस तरीके से उतारा, बिना बुने उतारना आपने, सॉरी इसको आपने पहले घुमाना है और फिर आपने उतारना है। अब 2 फंदे हम एक साथ लेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। अब इस वाले फंदे को, इसके पीछे वाला फंदा, इसको आपने इसके ऊपर से निकाल देना। फिर धागा आगे करेंगे और धागे को घुमाएंगे, 2 फंदे हम इसमें उल्टे बनाएंगे। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदे को, इस धागे को इस तरीके से घुमाना आपने, फंदे को उतार लेंगे। अब 2 फंदे हम एक साथ लेंगे और इनको 2 का 1 बनाएंगे और इस फंदे को लेंगे, इसके पीछे वाला फंदा, ये वाला फंदा इसके ऊपर से निकाल देंगे। धागे को अपनी साइड करेंगे और इसको घुमाएंगे, फिर 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। धागे को पीछे करेंगे और घुमाएंगे, ये देखिए इसको उतारेंगे। अब यहाँ पर हमारे ये 3 फंदे हैं, यहाँ पर हमारे ये 2 फंदे हो गए हैं। अब इसको भी निकाल देंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर हमारे 1, 2 और धागे को घुमाएंगे, ये 3 फंदे हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं, ये देखिए। फिर उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, एक बार फिर देखिए, धागे को घुमाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे, 2 फंदे हम एक साथ ले लेंगे और इसे सीधा बनाएंगे और एक फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और धागे को घुमाएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। राइट साइड से थर्ड रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए थर्ड रो को हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड रो में ही सिर्फ डिज़ाइन बनेगा, आपने थर्ड रो पर ध्यान देना, उसके बाद आपका डिज़ाइन आसानी से बन जाएगा फ्रेंड्स। अब रॉन्ग साइड से फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो बनाने के लिए यहाँ पर ये हमारा एज फंदा है, इसे यहाँ पर मैंने उल्टा बनाया। धागे को हम पीछे करेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे,
धागे को अपनी साइड करेंगे। अब ये तीन फंदे हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं, आपने इनको उल्टा ही बनाना है, ये देखिए उल्टा, और इस फंदे को आपने इस तरीके से उल्टा बनाना है, ये देखिए ऐसे। धागे को फिर पीछे करेंगे, सीधे पर सीधा ही बनेगा, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, ये देखिए ये वाला फंदा आपका, ये जाली जो हमने फंदा धागा घुमाया था ये वो वाला फंदा है, इसको आपने इस तरीके से उल्टा बनाना है। ये बीच वाला फंदा, इसको आपने उल्टा बनाना, और इस वाले फंदे को यहाँ से उल्टा बनाना, बस आपने इतना ही करना, उसके बाद ये डिज़ाइन आपका बन जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए सीधा, धागा अपनी साइड, उल्टा उल्टा, और ये फंदा भी उल्टा, रॉन्ग साइड से फोर्थ रो को आप इसी तरीके से कंप्लीट करें। देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बनकर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फोर्थ रो में आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। फ्रेंड्स बहुत इजी डिज़ाइन है, सिर्फ थर्ड रो पर ही आपने ध्यान देना है, ये देखिए ये डिज़ाइन। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।